अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यार के किचन से। आज हम मटन चाप बनाएंगे। उसके लिए मैंने चाप की बोटियाँ ले ली हैं। बोटियाँ हमको बड़ी बड़ी लेना है। इस तरीके से हमने बड़ी बड़ी बोटियाँ ले ली हैं चाप की। ये देखिए, इस तरीके से ये बोटियाँ करवा लिए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे हम। इसको हम बनाना अब शुरू करते हैं। एक कुकर में हम सारी बोटियों को डालेंगे। तरीके से हम सारी बोटियों को डाल लेते हैं। सारी बोटियों को हमने कुकर में इस तरीके से रख लिए हैं। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच देसी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी और थोड़ा सा ही हम इसमें नमक डालेंगे। और एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसमें। इसको अच्छे से पूरा अच्छे से इसमें इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको दो सीटी आने तक के इसका हम ढक्कन लगा के इसको दो सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। ये हमने गैस पर इसको चढ़ा दिए हैं। इसको ढक्कन लगा कर हम इसको दो सीटी आने तक पकाएंगे। ये दो सीटी हो चुकी है और गैस ये जो है कुकर जो है ठंडा हो चुका है। हमने इसको खोल लिए हैं और ये देखिए गैस पर हमने इसको चढ़ाया है कुकर को। इसमें तो पानी निकला है। ये पानी जो है इसको पूरा सूखने तक के हम इसको पकाएंगे। गैस की जो आँच है उसको हम फुल में रखेंगे। अभी पानी सूखने तक हम इसको पका लेते हैं। इसका पानी पूरी तरीके से सूख चुका है और इसका जो चर्बी था वो घुल के तेल की शक्ल में आ चुका है। ये अब हम इसको गैस बंद करके इसको अलग निकाल लेते हैं प्लेट में। ये सारे चाप को हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। ये देखिए, इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है ये इसका जो चर्बी है पिघल के ये तेल की शक्ल में आ गया है। अब हम इसी में ही इसी चर्बी में, इसी पिघली हुई चर्बी में हम इसको पकाएंगे। हम इसमें अलग से तेल घी का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी बनेगा अब इसी में बनेगा। अब हम इसको बनाना फिर से शुरू करते हैं। हमने गैस चालू करके उसी कुकर को फिर से उसमें चढ़ा दिए हैं। इसमें हम 3 ठुक लौंग और जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को धोकर हमने काट लिए हैं। इसको हम इसमें डाल रहे हैं। इस प्याज को हम इसमें फ्राई करेंगे। प्याज को थोड़ा कलर बदलने तक के हम इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज का कलर बदलने तक ही हम इसको फ्राई करना था, ये हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे, जो कि 3 छोटे साइज के टमाटर हैं कटे हुए। हमने इसको धो के काट लिए हैं। इसको डाल देते हैं इसमें। एक बड़ी चम्मच इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, मिर्ची और हल्दी डालेंगे। एक बड़ी चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल मिर्ची डाले हैं और आधी चम्मच हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं मिक्स करके। ये प्याज और टमाटर जो है थोड़ा गलने लग गए हैं। अभी हम इसमें चाप की बोटियां डाल देते हैं। इसमें हमने 2 सीटी लगाए थे लेकिन अभी ये गला नहीं है। इसको डालकर हम इसमें भूनेंगे अच्छे से। ये सारे हमने चाप की बोटियों को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें
पानी डाल कर इसको हम अच्छे से इसको चला कर मिक्स करके इसको भूनेंगे। ये जो है सब भुना गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और भुनना बाकी है। इसमें दो हरी मिर्च को हम दो टुकड़ा करके ऐसा डालेंगे। इसमें हम मटर मसाला डालेंगे, एक चम्मच हम डालेंगे छोटा चम्मच। अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं अभी हम। और ये बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 4 से 5 सीटी आने तक के हम इसको गैस पर इसको चढ़े रहने देंगे 4 से 5 सीटी आने तक। फिर अभी हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें ये पानी डाल रहे हैं, ये एक गिलास है, ये इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 4 से 5 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। ये मटन चाप बनकर तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए, इसमें हम बिल्कुल भी तेल नहीं डाले थे। ये इसमें जो चर्बी है इसी से पूरा पक के तैयार हुआ है। इसको हम निकाल के अलग कर देंगे। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मटन चाप बनकर तैयार हो चुका है। ये इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाले हैं, और इसमें साबुत मसाले में हमने थोड़ा सा जीरा और 2-3 लौंग ही डाले हैं, और उसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाले हैं। ये बहुत अच्छा, इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा बना है ये। शुक्रिया।